वग्गा ते बवाल है, सियासतदान आमू सामने ने पुलिस नू राजसी हितां लई वरतण दे एक दूजे उपर इल्जाम ला रहे ने। बीजेपी लीडर तेजिंद्रपाल बग्गा की गिरफ्तारी नूं लैके भाजपा के आम आदमी पार्टी विचाले तकरार जारी है। इस दौरान शनिवार नूं पंजाब सरकार की अर्जी से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च सुनवाई टल भी गई, यानी हुण इस मामले से 10 मई नूं मुड़ सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस के वकील सत्यपाल जैन के मुताबिक बग्गा नूं हिरासत लैण तों पहलां पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस नूं सूचित नहीं किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुसार सी अते पंजाब दे किसी भी अधिकारी नूं ना तो दिल्ली च डिटेन किया गया ते ना ही दिल्ली च किसी खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई। हियरिंग नहीं हो पाई क्योंकि अज दा केस जिहड़ा है सारी पार्टियां दी सहमति नाल हुण मंगलवार ते चला गया, और असीं इह साफ गल सारी जगह कह रहे हैं कि तजिंदर बग्गा जी नूं कल कोर्ट दे आदेश अनुसार असी कस्टडी च लैके दिल्ली लै गए सी। दिल्ली उन्होंने जज साहब की कोर्ट च पेश किया गया और जज साहब ने उन्होंने रिलीज़ करने का हुक्म दिता। उस तो बाद अपने घर चले गए हैं, उन्होंने मैडिकल होया, मैडिकल की रिपोर्ट असी कोर्ट के लगा दी है। असी बार बार ये गल कह रहे हैं दिल्ली पुलिस वालों कि असी कोई पंजाब पुलिस का अफसर डिटेन नहीं किया, किसी ने अरैसट नहीं किया, किसी के खिलाफ बाई नेम केस भी हाले तक नहीं है। ये जिहड़ा पंजाब वालों प्रचार किया जा रहा है गलत किया जा रहा। उधर पंजाब सरकार ने भी अदालत अपना पक्ष रखा है अते पंजाब पुलिस की कार्रवाई नूं पूरी तरह कानूनी दस्या। इस दे नाल ही जनकपुरी थाने अते कुरुक्षेत्र च पंजाब पुलिस नूं डिटेन करन मौके सारी सीसीटीवी तस्वीरां सुरक्षित रखण दी भी मांग कीती गई। एक अक्यूज थे वो जिनको 5 बारी नोटिस दिए गए, वो बावजूद के उनके नोटिस के वो नहीं अपीयर हुए। उन्होंने एक क्वाशिंग पिटीशन डाली हुई है हाईकोर्ट में जिसमें उनको कोई रिलीफ नहीं है, उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं डाली हुई। तो पंजाब पुलिस का पूरा राइट है किसी अक्यूज को अरेस्ट करने का। वो एप्लीकेशंस हैं कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं हरियाणा में जहां पर पंजाब पुलिस के पर्सनल को डिटेन किया गया था और जो जनकपुरी पुलिस स्टेशन में उनकी जो कवरेज है उसको मेंटेन किया था। बीजेपी लीडर तेजिंद्रपाल बग्गा खिलाफ एक होर गिरफ्तारी वारंट जारी होया है। ये वारंट हुण मोहाली कोर्ट ने जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस नूं आदेश दिए ने कि बग्गा नूं 23 मई तक अदालत पेश किया जाए। बग्गा की गिरफ्तारी के मामले 3 सूबे की पुलिस के नाल नाल दिल्ली तो पंजाब तक का सियासी संग्राम भी जारी है। बीजेपी लगातार इस गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब सरकार के नाल नाल केजरीवाल से भी हमलावर है। शनिवार नूं बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा की अगुवाई बीजेपी वर्करां वल्लों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बाहर रोस प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान हत्थां च तख्तियां फड़ के बीजेपी वर्करां ने केजरीवाल खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस वल्लों बीजेपी के कई लीडरां नूं हिरासत भी लै लिया गया। बिना सिख दस्तार के सिख को अरेस्ट करके लेके जाना ये आतंकवाद के समय में भी नहीं हुआ। जब 1980 में कांग्रेस आतंकी हमें घोषित करके ले जा रही थी जेलों में, इसी तरह दिल्ली पंजाब पुलिस आती थी उठा के लोगों को ले जाती थी, तब भी दस्तार का इस तरह से बेअदबी नहीं हुई कि नंगे सिर किसी को पीटते हुए ले जाओ एक सिख को, एक सिख बच्चे को जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, देश की सरकार ने लड़ाई लड़के एक सिख बच्चे की आबरू को बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, उसकी दस्तार को बचाया, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उधर चंडीगढ़ च भी बीजेपी युवा मोर्चा वालों तेजिंद्रपाल बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ सैक्टर 39 के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस पंजाब सरकार अते केजरीवाल के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की गई। पंजाब पुलिस की दिल्ली च हुई कार्रवाई नूं लैके कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी उत्ते हमलावर है। केजरीवाल साहब की कई सालों तो चाहत थी कि पुलिस मेरे कंट्रोल च नहीं है, हुण पता लग्या कि वो पुलिस नूं आपदे कंट्रोल च क्यों लैके आना चाहते सन। सो हुण पुलिस उन्होंने कंट्रोल च आई तो उन्होंने पहला अलका लांबा, कुमार विश्वास और तीजा बग्गा, क्योंकि वो दोनों हथों निकल गए सन, पर जिस प्रकार इन्होंने नियमों की उलंघना करते हुए एक टीम बग्गा दे घर च, बेशक वो बीजेपी नाल संबंधित ने, पर मैं एक आम नागरिक होने के नाते जिहड़ी संविधानिक दे खिलाफ गल है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पंजाब सरकार ने और केजरीवाल साहब दे चाहत दे मुताबक पंजाब पुलिस की दुरवरतों की गई है, ये नहीं होना चाहिए सी। विरोधी आम आदमी पार्टी उत्ते हमलावर ने तो आप वालों भी पलटवार किया जा रहा है। पंजाब सरकार का तर्क है कि पंजाब पुलिस की कानूनी कार्रवाई नूं बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके नाल अड़िका पाया है।
भारतीय जनता पार्टी जिन्हों कहते हैं कि घटिया षड्यंत्रां ते उतर चुकी है ते तजिंदर पाल बग्गे अर्गे मोहरियां दे सिर दे उत्ते शरारत करके गंदी सियासत करके पंजाब दा माहौल खराब करना चाहती है। ते जदों पंजाब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की, वेखो एक वकील होने के नाते भी मैं दसदा एक एफ आई आर हुई है, वो एफ आई आर जो गलत है तुम जाके हाईकोर्ट तो क्रैश करा लो, जे थानू हाईकोर्ट तो रिलीफ नहीं मिले जाके सुप्रीम कोर्ट तो क्रैश करा लो। खैर इस पूरे मामले च किसकी कार्रवाई कानूनी है ते किसकी गैर कानूनी, यह तो हुण हाईकोर्ट सुनवाई तो बाद तय होना है। पर इस सब दे विचाले तीन सूबे की पुलिस की खिचोतान दरमियान दिल्ली तो पंजाब तक सियासी संग्राम लगातार जारी है। फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद आप दे बुलारे मालविंदर सिंह कंग नूं सुणांगे।